जी, कैसे आप सब। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने न्यू बिजनेस के बारे में। सो इस वीडियो में आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूँगी कि कैसे मैंने ये स्टार्ट किया, कहाँ से रॉ मटेरियल लिया, कैसे मैं पैकिंग करती हूँ, कैसे बनाती हूँ, सब कुछ मैं आपके साथ इसमें शेयर करूँगी। अगर आप भी ये वाला बिजनेस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको स्क्रंचीज पसंद है तो आप ये बाय भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ये लिंक दिया होगा अपने इंस्टाग्राम आईडी का, आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हो कि अगर आपको स्क्रंचीज लेनी हो तो। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं एंड फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझे, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, मेकअप वीडियोज, ब्लॉग्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सो उसके लिए जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि मैंने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया। सो गाइस, मैं जस्ट ना रील्स वगैरह देख रही थी एंड यूट्यूब वीडियोस देख रही थी, तो मुझे वहाँ काफ़ी सारी स्क्रंचीज की वीडियोस बार बार आई जा रही थी मेरे सामने। एंड पता नहीं मुझे अचानक क्या हुआ, लाइक 1 मई की बात है एंड मैं एक रील देख रही थी इंस्टाग्राम पे और वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मुझे स्क्रंचीज का बिजनेस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ये सक्सेसफुल हो ना हो, मुझे ये करना ही है। सो उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया। एंड गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए मैंने एक दिन नहीं लगाया, मैंने उसी टाइम सोच लिया मुझे करना है। और उसी दिन से मैंने अपना रॉ मटेरियल ढूंढना, पैकिंग मटेरियल कहाँ से क्या मिलेगा, कार्ड्स कहाँ से बनवाऊँ, स्टीकर कहाँ से बनवाऊँ, सब कुछ डिसाइड कर लिया एंड मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। मतलब मैंने 1 मिनट के लिए सोचा भी नहीं कि लाइक मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे, ये वो, बिकॉज सेविंग्स तो थी लेकिन बनाएगा कौन, फिर पैकिंग सेल होगी या नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस थे लेकिन मेरे माइंड में वो आए ही नहीं। सबसे पहले आया कि हाँ मुझे ये बिज़नेस करना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं अच्छे से कर सकती हूँ। सो गाइज, मैंने इसलिए ये स्टार्ट कर दिया। एंड 1 मई को मैंने वीडियो देखी, वो रील वाली जो मैंने आपको बताई, एंड 3 मई को मैंने अपना लॉन्च भी कर दिया इंस्टाग्राम पे। सो मेरे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में सबसे ज़्यादा जो हेल्प करी है मेरे मम्मी पापा ने करी है, उन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया एंड उन्हीं की हेल्प से आज मैं ये बिज़नेस कर पा रही हूँ। सो सबसे पहले एक ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है ब्रांड का लोगो, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। मैं इंस्टा पर सर्च कर रही थी कि कोई है जो ये प्रिंट करता हो, लोगोज डिज़ाइन करता हो, मुझे मिला भी, लेकिन वहाँ पर जो प्राइसेस थे बहुत ही ज़्यादा हाई थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे ही पास में एक जगह है जहाँ पर काफ़ी अच्छे रेट में जो है प्रिंटिंग वगैरह हो जाती है, अगर होलसेल मतलब बहुत ज़्यादा बल्क में लेते हैं तब। सो मैंने उनसे एक बार इंस्टा पे एक क्वेरी ली थी कि कितने में पड़ेगा, मुझे अगर 100 पीसेस चाहिए कार्ड्स या 200 चाहिए, तो उनके काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस थे, लाइक 3 और 4 रुपीज़ वो पर कार्ड के चार्ज कर रहे थे। जब मैं अपने नियर बाय प्लेस पर गई चेक करने कि वहाँ पर क्या रेट चल रहा है, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सस्ता रेट बताया मुझे एंड वो मेरे एकदम बजट में फिट हो गया। सो जिस दिन मैंने इंस्टा की रील देखी थी 1 मई को, उसके अगले दिन ही मैं प्रिंटिंग कराने चली गई एंड मुझे वहाँ पर जाके काफ़ी टाइम लग गया सारा डिज़ाइन कराने में, क्योंकि कार्ड भी डिज़ाइन कराने थे, ब्रांड का लोगो भी डिज़ाइन कराना था, तो 2-2.5 घंटे तो मेरे आराम से गए। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइनल रिज़ल्ट कैसा आया, कैसा मेरा ब्रांड लोगो है। सो यहाँ पर मेरे ब्रांड का स्टिकर है, आपको साइड में एक फ़ोटो दिखा दूँगी, क्लियर दिखेगा। एंड दूसरी पिक्चर आप मेरे हाथ में देख सकते हो, ये स्टिकर है, आपको उल्टा दिख रहा होगा बिकॉज मैं सेल्फी कैमरा शूट कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही प्यारा है। इस पर लिखा ऑसम स्क्रंचीज हैंडमेड विद लव। सो जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब चैनल का नेम है ऑसम एंजी, सो मैंने सोचा इसी से रिलेटेड मैं अपने बिजनेस का नेम भी रखूँ, सो इसीलिए मैंने ऑसम स्क्रंचीज रखा। एंड अब आते हैं थैंक यू कार्ड पे। सो थैंक यू कार्ड बहुत ही ज़्यादा इसमें गड़बड़ हुई, बिकॉज मैंने उनको प्रिंट कराने के लिए तो दे दिए, लेकिन जब प्रिंट करवा के लेके आई ना, कुछ तो बहुत ही अच्छे थे और कुछ में क्या हो रखा था कि मिस प्रिंटिंग हो रखी थी, लाइक अगर कुछ लिखा हुआ है ना तो उसके साथ में उसकी शेडो आ रही थी, बट फिर भी उन्होंने मुझे सही करके दिया सब कुछ एंड हेयर इट इज़। सो ये रहा मेरा थैंक यू कार्ड। आई एम सॉरी ये उल्टा दिख रहा होगा, मैं इसकी पिक्चर यहाँ लगा दूंगी सो दैट आप सीधा देख सको। ये पिंक ब्लू और पर्पल का मिक्स शेड से है और यहाँ एक स्क्रंचीज बन रहा है, यहाँ पर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और यहाँ ब्रांड का लोगो, यहाँ थैंक यू लिखा है, थैंक यू फॉर द ऑर्डर एंड टैग अस इन योर फोटोज विद आर प्रोडक्ट्स। सो ये है मेरा थैंक यू कार्ड एंड बहुत ही अच्छे प्राइस में मेरा बन गया। ये इतने सारे थैंक यू कार्ड मैंने बनवाए हैं, अराउंड ये 1000 कार्ड्स हैं।
सारे मैंने एक बॉक्स में रखे हुए हैं। सो किसी भी स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए थैंक यू कार्ड्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। मेन चीज़ है हमारा थैंक यू कार्ड एंड हमारा ब्रांड का लोगो स्टिकर। सो ये दोनों चीज़ें मैंने रेडी करवा ली सबसे पहले, बिकॉज अगर यही नहीं होगा तो ऑर्डर भेजते टाइम वो ब्रांड का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो पाता। अगर ये चीज़ें मैं भेजूंगी तो कस्टमर को भी अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने ये इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। सो गाइज, जो स्टिकर की रेट आपको पड़ जाएगी वो 1 to 2 rupees में आपको आराम से पड़ जाएगा, अगर आप कहीं ऑनलाइन बनवा रहे हो या फिर आप किसी लोकल स्टोर से बनवा रहे हो। मैंने लोकल स्टोर से ही बनवाया था, तो मैं आपको कोई लिंक वगैरह तो नहीं दे सकती हूँ। और कार्ड्स का भी यही रेट है, 1 rupees या 2 rupees, इतने में ही ये बन जाते हैं, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। लेकिन आप अगर ऑनलाइन बनवाते हो तो ये 3 से 4 rupees में भी बन सकता है। साइज़ पर भी डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है आप ग्लॉसी पेज पे बनवा रहे हो या सिंपल। ये इतना ग्लॉसी पेज नहीं है, ये जस्ट नॉर्मल पेज है। सो ये मुझे काफ़ी अच्छे रेट में, लाइक ये 1 rupee का पड़ा है मुझे, और स्टिकर भी सेम ही रेट का है। सो आप इस तरीके से अपने हिसाब से देख सकती हो कि आपकी बजट में क्या फिट बैठ रहा है, आपको क्या डिसाइड करना है। एंड गाइज, एक और चीज़, जो आप स्टिकर बनवाते हो ना, या तो आप सर्कल शेप में बनवाते हो या स्क्वायर, इन दोनों के प्राइसेस में डिफरेंस आता है। सो आप वो चीज़ का भी ध्यान रखें। सो गाइज, ब्रांड का लोगो तैयार हो गया, थैंक यू कार्ड्स बन गए। अब बारी आती है फैब्रिक की, बिकॉज फैब्रिक के बिना तो आप स्क्रंचेस बना ही नहीं सकते हो, बिकॉज मेन काम तो उसी का ही है। तो सबसे बेस्ट फैब्रिक जो मुझे लगा वो है सैटिन। सो ये है सैटिन फैब्रिक, एंड वाला जो फैब्रिक है बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला है। काफ़ी तरह के सैटिन के फैब्रिक्स आते हैं, लाइक लो क्वालिटी भी आता है, मीडियम एंड हाई क्वालिटी, बहुत सारे टाइप्स के जो सैटिन फैब्रिक्स आते हैं। ये वाला सबसे महंगे वाला है, बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरे कस्टमर्स के पास सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी जाए और उनको पसंद आए और उनको कोई भी शिकायत ना हो विद द क्वालिटी। इसीलिए देखो, मैंने भी पहन रखा है, ये स्क्रंचेस इसी फैब्रिक से बनी है, और ये हमारा एक न्यू लॉन्च है। एक तो हम बनाते हैं बिल्कुल प्लेन, और दूसरा हमने ये नया लॉन्च किया है जो कि वाइट पर्ल्स के साथ है, बहुत ही सुंदर लगता है। एंड इसके साथ और भी काफ़ी सारे प्रिंट्स में भी हमारे पास हैं जो कि सैटिन फैब्रिक में ही होंगे लेकिन प्रिंटेड होंगे, ऑर्गेन्जा में भी है। वो सब आप मेरे इंस्टा अकाउंट पे चेक कर सकते हो, आपको यहाँ पर नेम दिख जाएगा मेरे इंस्टा पेज का। सो आप वहाँ पे सब कुछ डिज़ाइंस वगैरह चेक कर सकते हो। गाइस, अगर आप मेरी वीडियो देख के इंस्पायर होते हो कहीं ना कहीं, और आप भी स्टार्ट करना चाहते हो और आपको ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो। सो मैं आपको वो अवेल करा सकती हूँ, और आपको बल्क में स्क्रंचीज जो है वो भेज सकते हो। आप जितनी मर्जी लेना चाहें उतनी आप ले सकते हो। गाइज, ये बात हो गई फैब्रिक की। सो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी आप सैटिन ही लो, और अच्छी क्वालिटी का लो, बिकॉज अगर आप इसको स्ट्रेच भी करोगे ना तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी ये रेशे नहीं निकलते इसके। अगर लो क्वालिटी की होती ना तो उसमें रेशे निकलने लग जाते हैं। वो लो क्वालिटी भी मेरे पास पड़ी है, लेकिन मैं वो अपने कस्टमर्स को बिल्कुल नहीं बेचती हूँ। वो जस्ट मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे फैब्रिक का इतना नहीं पता था, और मैं सस्ता वाला ले आई, उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी, तो मैंने वो कस्टमर को बिल्कुल नहीं भेजी। इसी फैब्रिक में से वो बनाकर भेजी है, और बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, आप इंस्टा पर रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो। एंड गाइज, वन मोर थिंग, आपको फैब्रिक के बारे में तो बता दिया कि कौन सा यूज़ करना चाहिए, लेकिन आप बाय कहाँ से करोगे अगर आपको आसपास नहीं मिल रहे तो? आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो सैटिन फैब्रिक मैन्युफैक्चरर या कुछ भी। आपको वहाँ पर जो है ऑनलाइन सेलर्स मैन्युफैक्चरर्स जो होलसेल में देते हैं वो मिल जाएंगे, आप उनसे परचेज कर सकते हो और आपको काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाएगा। सो ये एक तरीका है जहाँ से आप फैब्रिक ले सकते हो। सो गाइस, फैब्रिक तो हो गया, लेकिन फैब्रिक में अंदर जाने वाली इलास्टिक भी हमको चाहिए। सो इलास्टिक के लिए सबसे मेन है आपको पतली वाली इलास्टिक यूज़ करनी है, जो गोल वाली होती है। सो बहुत काफ़ी ज़्यादा थिन होती है और बहुत ही ज़्यादा उसका स्ट्रेच होता है, एंड तभी तो आप देख सकते हो कि मैं इसको जितना मर्जी स्ट्रेच करूँ ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, एंड जब इसको छोड़ दो तो ये इस तरह की शेप में आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। सो ये हो गई इलास्टिक की बात। नेक्स्ट हम पैकेजिंग पे चलते हैं कि मैं पैकेजिंग कैसे करती हूँ। तो सबसे मेन चीज़ आती है, सबसे पहले मैं ना जो ये ट्रांसपेरेंट वाली पैकेजिंग आती है, थिन कह लो उनको जो मर्जी, सो ये आती है, ये दर्जन के हिसाब से ली थी मैंने, लाइक 15 की 12। सो ये 30 rupees की मैं लेके आई थी। सो अगर ये ज़्यादा, अगर कोई ज़्यादा स्क्रंचीज बाय करता है, लाइक 6-7 अबव, सो इसमें मैं पैक कर देती हूँ। अगर कोई एक या दो ही लेता है तो उसके लिए छोटा साइज़ है, इसमें एक या दो आराम से आ जाएंगे, लाइक 3 भी आ सकती हैं। सो ये छोटा साइज़ एंड ये बड़ा साइज़, अलग अलग तरह की क्वान्टिटीज़ के लिए मैंने 2 ये पैकेजिंग की पॉलीथिन रखी हुई है। सो इनमें मैं पैक करती हूँ।
गाइज, जब मैं इनको पैक कर देती हूँ उस क्रंचीज के अंदर रख देती हूँ, तो उसके ऊपर मैं अपना स्टिकर लगाती हूँ एंड साथ में एक थैंक यू कार्ड भी भेजती हूँ फॉर द गुड एक्सपीरियंस। गाइज नेक्स्ट चलते हैं आउटर पैकेजिंग पे। इनर की तो बात हो गई, लेकिन आउटर पैकिंग के लिए मैं ये वाली पॉलीथिन यूज करती हूँ, कूरियर बैग्स। ये व्हाइट कलर के होते हैं, इन पे यहाँ टेप भी लगी हुई है। आपको जैसे उस टेप को निकाल के इसको ऐसे अंदर से ये कर देना है और ये पैक हो जाएगा। सो ये मुझे पड़े थे 180 के 100 पीसेस, मेरे पास ये काफ़ी सारे पड़े हैं अंदर, ये आप देख सकते हो। सो मैंने ये दो मंगाए थे, तो मेरे पास यहाँ पर 200 पैकेट्स पड़े हुए हैं ताकि मैं अपने स्क्रंचीज़ को पैक करके भेज सकूं। नेक्स्ट हम अगर शिपिंग की बात करें तो सबसे बेस्ट मुझे लगता है शिप रॉकेट, बिकॉज शिप रॉकेट पे आपको हर तरह की कुरियर कंपनी मिल जाती है, DTDC, डिलीवरी एक्सप्रेस बीज और बहुत कुछ। आपको ना अगर सारी ही कुरियर कंपनी अगर एक ही जगह पर चाहिए तो शिप रॉकेट पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं उसके, वो आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आप हर एक कुरियर कंपनी का एक्सेस पा सकते हो और उससे फिर आप शिपिंग कर सकते हो। मैंने देखा है कि अगर आप ऑफिस में जाकर कुरियर कंपनी को बोलोगे कि हाँ मुझे शिपमेंट करानी है, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। लाइक मैं एक दिन ऑफलाइन जाकर DTDC में गई कि मुझे ये कुरियर जो है शिप कराना है, तो उन्होंने बोला कि 100 रुपीज़ चार्ज लगेंगे, और वो भी सिर्फ उसमें 5 क्रंचेस थी, इतना हल्का वजन था और छोटा साइज था, फिर भी वो 100 रुपीज़ मांग रहे थे, विच इज़ नॉट गुड। सो इसीलिए मैंने शिप रॉकेट से शिपमेंट लगाई, जो मेरा 56 रुपीज़ है, मेरा काम हो गया। सो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप ऑनलाइन ही करो और वो आपके घर से ही आके ले जाएंगे। एंड रही बात आपकी प्रिंटिंग की, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास 2-3 ऑर्डर आ रहे हैं या 4 ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप एक जो A4 शीट होती है उसके ऊपर आप चारों एक साथ प्रिंट करा सकते हो, आपकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी और आपका काम भी अच्छे से चल जाएगा। तो आप वो चीज़ करा सकते हो अगर आपको पैसे भी बचाने हैं और काम भी अच्छा करना है। सो गाइज नेक्स्ट चीज़ आती है कि लॉन्चेस कैसे करें। सो गाइज ये सारा प्रोसेस था कि किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया, कैसे मैं पैकिंग करती हूँ, क्या फैब्रिक यूज़ करती हूँ, कहाँ से मैंने रॉ मटेरियल लिया, क्या क्या, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब हम दूसरी चीज़ पर चलते हैं कि मैंने लॉन्च कैसे किया और मैं अपने पेज को कैसे हैंडल कर रही हूँ। सो गाइज लॉन्चिंग मैंने की थी 3 मई को, एंड उसके बाद मैंने पोस्ट वगैरह डालने स्टार्ट कर दिए, खुद के मैं शूट करके ही डालती हूँ अपने फोटोज़ वगैरह जो भी होते हैं स्क्रंचेस की, आप चेक कर सकते हो इंस्टा आईडी पर। एंड उसके बाद मैं रील्स जरूर पोस्ट करती हूँ। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना इंस्टा पे, ऑनलाइन बिजनेस, तो आपको रील्स जरूर पोस्ट करनी चाहिए, बिकॉज उससे क्या है आपकी रील्स बहुत ज़्यादा बढ़ती है और आपको ज़्यादा कस्टमर्स मिलते हैं और ज़्यादा कॉमेंट लाइक्स आते हैं आपकी वीडियो पे। सो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लॉन्च कर रहे हो प्लेन सैटिन के स्क्रंचीज, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए आने वाले 3 से 4 लॉन्च आप क्या करने वाले हो, वो आपके माइंड में होने चाहिए, वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना हो। तो पहले से आप सब कुछ डिसाइड करके रखो कि पहला लॉन्च मुझे इस टाइम पे करना है, फिर दूसरा लॉन्च हमने कितने टाइम के गैप देने के बाद करना है। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को प्लान कर सकते हो कि आपने किस तरीके से काम करना है। गाइस चलो ये सब बातें हो गई, सो मैंने दूसरी चीज़ भी अपने पेज पर लॉन्च करी है, वो है लेदर ट्रंक बॉक्सेस। सो ये बॉक्सेस ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, सो मैंने सोचा क्यों ना ये भी अपने पेज पर रखे जाए। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको फोटो दिख जाएगी इसकी। सो इस तरीके के लेदर बॉक्सेस मैंने अपने स्टोर पर लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो ये भी बाय करने में, आप बल्क परचेज करना चाहो या रिटेल सिंगल पीस भी आपको मिल सकता है। सो ये जो लेदर बॉक्सेस हैं ये भी मैंने एक ऑनलाइन स्टोर से ही खरीदे थे, बल्क में परचेज किए मैंने, सो दैट मैं अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकूं। एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी, एंड आप इनमें कस्टमाइज भी करवा सकते हो अपना नेम वगैरह, सो ये बहुत ही अच्छा लगता है। सो यहाँ दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं अपनी बिजनेस की हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। सो अगर आपको ये पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मेरे न्यू इंस्टा पेज को फॉलो भी कर लेना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।